सीएम योगी के महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर किए तमाम दावे अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मामला फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाने के एक गांव का है, जहां घर में घुसकर चार युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के शरीर पर कई जगह कांच से हमला किया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़िता न्याय के लिए एक सप्ताह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब पीड़ित महिला दबंगों के डर से परिवार सहित गांव को छोड़ने को मजबूर है। वो लोग आए थे, मेरी साड़ी अड़ी उतार के कांच आंच मारा है, ड्रेसिंग का कांच है, मेरी जांग में मारा है कांच आंच का, मारने की धमकी देते रहे कि ये कांच दे तेरे गला काट देंगे मारने की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे साथ बलात्कार जबरदस्ती पूरे तरह से करे नहीं। कितने लोग थे? चार लोग थे। थाना क्षेत्र में महादेवनपुर की महिला जो आरोप लगा रही है, इस संबंध में आपको बताना है कि कुछ दिन पूर्व इस गांव में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त जेल में है। उन्हीं अभियुक्तों के परिवार की यह महिला है जिनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। इनके आरोपों के संबंध में थाना हुसैनगंज पर जांच की जा रही है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद डेप्यूटी एसपी ने हुसैनगंज एसओ को जांच के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि दर दर भटक रही गैंगरेप पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।